आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड स्पिनच कॉर्न सैंडविचेस। उसके लिए इन चीजों की जरूरत है: 200 ग्राम्स चॉप्ड स्पिनच, 200 ग्राम्स फ्रोजन कॉर्न, 200 ml मिल्क, 3 टेबलस्पून बटर, 3 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज, 1 टीस्पून ग्रेटेड गार्लिक, 1 टेबलस्पून ऑल पर्पज फ्लावर यानी कि मैदा, 4 ब्रेड स्लाइसेस, हमने ब्राउन ब्रेड ली है, आप व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, 2 चीज स्लाइसेस, 1 टीस्पून इटालियन सीजनिंग, 1 टीस्पून सॉल्ट या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो चलिए सबसे पहले सैंडविच की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गैस चलाएंगे, गैस को पहले मीडियम पे रखेंगे, उसमें बटर डालेंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो चुका है, अब गैस को सिम पे कर देंगे और इसमें गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब इसको आधा मिनट के लिए भूनेंगे, 1/2 मिनट हो चुका है, अब इसमें ये ऑल पर्पस फ्लावर भी डाल देंगे। गैस बिल्कुल सिम पे रखनी है और इसको भी लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। गार्लिक और ऑल पर्पस फ्लावर लाइट ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम स्पिनेच और कॉर्न्स भी डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें ये नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, आप इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, हम तीखा कम खाते हैं इसीलिए हमने सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर ही डाला है, इटालियन सीजनिंग। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब गैस को लो मीडियम के बीच में कर देते हैं और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें दूध भी डाल देंगे और गैस को मीडियम पे कर देंगे, दूध में उबाला आने देंगे। उबाला आ गया है, अब गैस को लो पे कर देंगे और इसे ढक देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता, और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। स्टफिंग हमारी गाढ़ी हो चुकी है, अब गैस करेंगे बंद और इसमें चीज भी मिक्स कर देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं, तो सैंडविच बनाना शुरू करते हैं, फिर इसको बाद में ग्रिल करेंगे। एक स्लाइस लेंगे ब्रेड का, उसके ऊपर चीज स्लाइस रखेंगे, ऊपर ये मिक्सचर डालेंगे। अब इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रख देंगे और इसी तरह दूसरा सैंडविच भी बना लेंगे और फिर इनको ग्रिल करेंगे। दोनों सैंडविच तैयार हो गए हैं, अब इनको ग्रिलर में ग्रिल कर लेंगे। अब इस पे थोड़ा बटर लगा देंगे। सैंडविच हमारे ग्रिल हो गए हैं, अब इनको ऐसे निकाल के रख लेंगे और इनके स्लाइस काट लेंगे। अब सैंडविच को सर्व करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, ग्रिल्ड स्पिनच कॉर्न सैंडविचेस। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।